السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये फातिमा मस्जिद हुमायूं नगर जो कुछ 8-10 दिन से जो प्लाट के ऊपर जो आपस में मेरा है तेरा है मेरा है तेरा है बल्कि जो चालू हुआ था उसका पूरे डिटेल्स में निकाल के आप लोगों के सामने बता रहा हूँ. ये है देखो, नहीं नहीं पहले देखो, ये नोटरी है कब की, मोहम्मद यूसुफ अली किससे लिए थे, महपाल रेड्डी से 97 में. एक पेपर देखिए आप, उसके बाद इसके बाद का लिंक डॉक्यूमेंट बताओ. इसके बाद में मोहम्मद यूसुफ अली के बाद जकिया बेगम कब लिए इन्हों, 2001 में रजिस्ट्रेशन 2001 में. ऐसी होते 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 2007-8 की रजिस्ट्री दो, ये 2007 की रजिस्ट्री, ये पूरे लिंक डॉक्यूमेंट पूरे रजिस्ट्री के. इधर कभी जकिया बेगम से मोहम्मद अनवर कब लिए अपने 4 तारीख में 2007 तक. उसके बाद में इलगा, ये तो पूरे और रजिस्ट्रियाँ हैं. उसके बाद इलगा जो एंट्री करे थे, इलगा जो आके जो ज़मीन पे जो कुछ झगड़ा हुआ था कब, 2010 में. ये 2010 में ये लोगों के पेपर्स है. ये हमारे पेपरों में कौन है, महपाल रेड्डी. इनके पेपरों में है जनार्दन रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी. इलगा किसको किसको जीपीए दिए थे कब, 2010 में. हाँ 2010 में इन्होंने जीपीए दिए. किसको किसको दिए, मोहम्मद अवलगी एक नाम, महमूद अवलगी एक नाम, मोहम्मद फैयाज खान दो नाम, मोहम्मद अब्दुल मतीन जो ये साहेब जो आ रहे हैं अब, मेरा है प्लाट मैं बेचा करा बोल के. तब ये 2010 में हुआ. उसके बाद में रजिस्ट्रेशन ले लेके आने के बाद में पूरे एरिया में हम ये तीनों अपने महमूद भाई और फैयाज भाई ये मतीन तीनों 2010 के अंदर प्लाटों पे आके कुछ नंबर उम्बर वगैरह कुछ लिखे करे. फिर उसके बाद में प्लाटों वाले बोले भाई हम लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करे हुए हैं, हम लोगों के प्लाट रजिस्ट्रेशन है फिर हम कैसा करना. तो अभी उसके बाद में पूरे प्लाटों वाले एक जगह हुए हो के उसके बाद दारुसलाम गए. दारुसलाम में जब चंद्रायन गुट्टे पे महमूद अवलगी बड़े भाई मंसूर अवलगी कॉरपोरेटर थे वहाँ पे, कॉरपोरेटर होने की सूरत में जो है सो पूरे प्लाटों वालों को चंद्रायन गुट्टे में बैठ के बात हुई. क्या बात हुई, ठीक है भाई हमारे को नहीं मालूम था, हम ले लिया, हम अग्रीमेंट कर लिया, हम रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप लोग वहाँ क्या बोल रहे हैं, ओपन है. तो फिर उसके बाद में तो पूरे प्लाटों वाले बैठ के एक एक फी प्लाट 100 गज के प्लाट को 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये देने की बात हुई. पूरे प्लाटों वाले क्या करें, बेस पैसे इधर से उधर से करके ले जाके हर प्लाट वाले जो है सो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये, जिसकी हालत की एकदम जो गरीब है उनको कम ज़्यादा. महमूद अवली फयाज खान जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प करे लोगों को, नहीं बल्कि नहीं मालूम था लोगों को करे उन्हों. अब उसके बाद में ये देखो डॉक्यूमेंट है, ये जरा जूम करके बताओ. इसके अंदर साइन है महमूद भाई, ये साइन है फैयाज भाई, ये है मतीन. कब की है ये वो भी डेट बताता हूँ, 13 तारीख छठवा मेरा 2011. इस वक्त ये लोग पैसे ले लिए थे 15 हज़ार रुपये, ले लेके सिग्नेचर यहाँ है, जरा जूम करो आप, ये सिग्नेचर यहाँ पे है. उसके बाद में अब ये होने के बाद में प्लाटा वाला बोले बोले भाई हमारा तो हो गया ना बोल के, उस दरमियान में जो है तो हमारे हामिद वहाँ मेरा छोटा भाई है, उन्होंने वहाँ पे प्लाटा खरीदते बेचते, वहाँ पे उनके बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार है, उनके कई सारे पार्टनर थे जो उन्होंने घर वना बना के बेचते. और इलगा जो बदनाम करे ना उलगा अलहमदिल्ला कोर्ट में डाले और उनको नोटिस भी आएंगे जो हमारे बदनाम करे लगा होने के बाद. हाँ करेंगे इंशाल्लाह, कर दिए अपन. होने के बाद में ये प्लाटा वाले जिसके उन्होंने ख़त्म हो गए 2000 और हाल में जो है तो लॉकडाउन हुआ. होने के बाद में साहेब जरा इनको बताइए आप, इनके वालिद साहब बिल्कुल अब उसमें है ना, एकदम हैबत खा के है, डर के है हालत इनकी, इनके वालिद साहब की. हाँ तो हाँ वालिद साहब जो अब लॉकडाउन था, पूरे जने चले गए अपने अपने घरों को. तो रात में 1:30 बजे 2 बजे रात को इलंगा आके प्लाटा नापना शुरू करे.
अब ये साहब आए आके बोले अहमद भाई ये रातों में कोई क्या क्या कर रहे हैं प्लाटों पे आ रहे थे तो अच्छी बात है हम भी देखे जाके करे तो महसूस नहीं हुआ चलो फिर उसका इन लोग काम चालू करने करते कि तुम लोग आके बोले हमारा प्लाट है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को इतना सब होने के बाद में पैसे ले लेके इन लोगों नो ऑब्जेक्शन लेटर दे दे के फिर उसके बाद में लोगों को आके हरासमेंट क्यों कर रहे हैं आप लोग देखिए। और हमारे पर जो हरासमेंट करे लोग जो हमारा झूठा एग्जाम डाले कि अहमद बाम हामिद बाम दोनों मिल के नोटरियाँ बना के बेचे अभी ये पेपरों के अंदर अहमद बाम हामिद बाम के नोटरियाँ कहाँ हैं ये रजिस्ट्रेशन है अहमद बाम के हामिद बाम के पेपर कहाँ है अब ये साबित करना ही लगा। और मैं लोगों के ऊपर इज्जतनामा बराबर डाला और कोर्ट को बोल दिया मैं तो अपने वकील साहब को उन्होंने आके जो है पैसा करते हैं और क्या है लोगों के ऊपर वीडियो वीडियो क्लिप भी ले लिया मैं इंशाल्लाह कोर्ट में वो वीडियो भी दायर करने वाला हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद रियाज मिनोरिटी चेयरमैन आरा डिस्ट्रिक्ट। आज यहाँ पर हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी बालापुर में एक सौगज का प्लाट पर कोई अरफात और अमल अर्जी ज़बरदस्ती झूठे डॉक्यूमेंट बना के 19 में रजिस्ट्री बोल के बता रहे हैं जबकि ये 2011 से 2013 तक जो भी डॉक्यूमेंट है वो पूरे रजिस्टर्ड और मेन जो जीपीए लिए थे मंसूर अवलगी साहब महमूद अवलगी साहब फैयाज साहब और अब्दुल मतीन साहब ये तीनों मिलकर प्लाटिंग करके बेचे उसमें से जब ही हमारा आदमी जो नईम साहब का प्लाट है वो अब ये लोग ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके उसके ऊपर ठहर के ज़बरदस्ती कैसा बना रहे हैं पीएस में जा रहे हैं जबकि तुम्हारे पास 19 में रजिस्ट्री करने का तुमको कोई अख्तियार ही नहीं था तुम ऑलरेडी 11 में पूरा प्लाटिंग करके बेच दिए प्लाटिंग ने अब एनओसी भी दिए बेचे बात ही एनओसी होती है ना तो डायरेक्ट दिए 15,000 लेके एनओसी दिए उसके डॉक्यूमेंट है हमारे पास उनका उनके सिग्नेचर के साथ है मतीन साहब फैयाज साहब और महमूद अवलगी साहब ये उसके पेपर है। अब ये 2019 में ये लोग नई चीज़ लेके आके ये लोग सिर्फ और सिर्फ अहमद बाम को हामिद बाम को परेशान करने के लिए ज़बरदस्ती का एक ढोंग रचा रहे हैं और बदनाम करने के लिए टेलीविज़न में यूट्यूब चैनलों पे इधर उधर बोल रहे हैं जबकि एनओसी इनके पास है और पुरानी है नोटरी या रजिस्ट्री ये सब खरीदेबाजी मिलती महेश्वरम में ज़्यादातर नोटरी के ही है गरीब लोग लेते वो लोग नोटरी कर सकते खाली वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी पता है कि ये नोटरी की रजिस्ट्री के बराबरी वैल्यू है बोले थे उन्होंने असम्बली में तो लिहाजा अब रजिस्ट्री करा लिए अब आप लोग क्या तरीके से करा लिए वो आप जाने अल्लाह जाने लेकिन हमारे पास पूरे शुरू से आखिरी तक पूरे डॉक्यूमेंट मजबूत है 97 से मजबूत है हमारे पास पूरे। अब तुम आके 2019 में करके गड़बड़ करके उल्टे सीधे काम करके बोल रहे हैं अच्छा नहीं होगा ये आप लोग जो हद तक जाना चाह रहे हैं जाइए हम भी तैयार हैं और ये एक ज़िम्मेदार शख्सियत है अहमद बाम जो गरीबों के लिए 24 घंटे सर्विस देते आज आप जबकि उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है उनका अमल दखल नहीं है आप उनको बदनाम कर रहे हैं उनको बोलने की वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ पर बोलने के लिए इसलिए लिहाजा आप लोग या तो खामोश हो जाइए या फिर दम जितना है लगा दीजिए हम भी देख लेंगे फिर। अल्लाह वरकत मेरा नाम हामिद बाम है मैं ये प्लाट 2011 में 2013 में हमारे नईम अनवर साहब को दिलाया था जो इनके वाली साहब है और जो है ना मैं ये पूरे डॉक्यूमेंट देख के 97 से पूरे डॉक्यूमेंट देख के इनको ये प्लाट दिलवाया। हमारे जो डॉक्यूमेंट है पहला डॉक्यूमेंट महिपाल रेड्डी का है टोटल ये 7 एकड़ ज़मीन थी जो तीनों भाइयों में थी तीनों भाइयाँ अपने अपने तरीके से पूरे प्लाट बेच दिए तीनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण इनका क्या करे मेरे को बराबर पैसे नहीं मिले बोल के श्रीनिवास रेड्डी और जनार्दन रेड्डी दोनों मिलके महमूद अवलगी फैयाज खान
और अब्दुल मतीन साहब को बेचे। बेचने के बाद इन लोग पूरे प्लाटों पर आए 2010 में। जो प्लाट उनकी जो है डॉक्यूमेंट नंबर है 321/2010, ये डॉक्यूमेंट के तहत में ये पूरों को नोट NOC दिए ये लोग। जब जो 2011 में जो ओनर थे उनका नाम है मोहम्मद महमूद मोइनुद्दीन साबिर, इन्होंने NOC बरोबर लिए। लेने के बाद ये मैं पूरा देखकर आगे वाले को प्लाट दिलवाया। दिलाने के बाद ये लोग पूरे जहाँ जहाँ जितने जितने प्लाटों वाले NOC दिए पूरों से ले लिए। लेने के बाद 2018 में इन्होंने फिर बेचने के लिए आए। इसमें से दो जने नहीं आए, ओनली मोहम्मद अब्दुल मतीन साहब आके इन लोगों को पूरों को हरासमेंट कर रहे हैं। ये मेरी ज़मीन है बोल के हम इनको बोले आप पहले के पहले नोट NOC पे डॉक्यूमेंट ले लिए, फिर आप ये कहीं को बोल रहे हैं बोले तो मैं अकेला ओनर हूँ, मैं ही छूँ। बोलने के बाद महमूद अवलगी और जो है ना फैयाज खान दोनों मिल के इनको 2019 में क्राइम नंबर 392/19 इसके तहत में इनको केस बुक करे और इनको जेल को भिजवाए। फिर भी इन्होंने ना रातों में आके प्लाटा नाप के लोगों को नोट रजिस्ट्रेशन करके परेशान कर रही, प्लाट नंबर अलग अलग डाल के परेशान कर रही। लिहाजा हमारे महमूद अली साहब से गुजारिश है कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करो और हम कोई जानबूझ के इन्हों बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, कौन बदनाम कर रहे थे आप? हमारे को जो है ना अमल लड़दी और अरफात और जो है ना अब्दुल मतीन अब्दुल हसीब ये चारों मिलके मेरे को बदनाम कर रहे हैं। और इन्हों बदनाम करने से क्या होता है, इज्जत का देने वाला अल्लाह है। वह तो इज्जत मंतशा वह तो जिल्लू मंतशा, इज्जत और जो है ना अल्लाह ताला है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, मैं दुआ कर रहा हूँ इनको हिदायत दे, नहीं तो इनको इबरतनाक मौत अता दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।